तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक और नई वीडियो पे स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज है साल का पहला दिन और पहले ही दिन में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक स्पेशल कार। यार क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि पहला दिन ना हमको भी ख्याल रखना पड़ता है आपका, कि आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल कार पहले दिन साल के लिए हम लेके हर साल आते चले। दोस्तों ये गाड़ी है मर्सिडीज़ की फ्लैगशिप कार। दिस इज़ मर्सिडीज़ S350 ड्रिवन ओनली। गैस कर लो कितनी चली होगी यार, गैस करने में तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको बताया था दोस्तों, ये गाड़ी चली है अपनी मर्सिडीज़ की मात्र 14,000 किलोमीटर। जी हाँ, नहीं विश्वास हो रहा ना, 14,000 किलोमीटर दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 14,000 किलोमीटर दोस्तों ये गाड़ी चली हुई है। दिल्ली रजिस्टर्ड फर्स्ट ओनर दोस्तों गाड़ी है, 2017 मॉडल की ये मैन्युफैक्चरिंग है एंड रजिस्ट्रेशन भी 2017 का आपको मिल जाता है। सबसे पहले गाड़ी का जाओ सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कर लो, उसके बाद आपको देता हूँ पूरी गाड़ी की डिटेल, पूरा वॉक अराउंड एंड आपको दूंगा आपको गाड़ी का चलाने का मज़ा भी एंड देन आखिरी में करेंगे इस गाड़ी का प्राइस डिस्क्लोज भी। चलिए फटाफट सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कर लो, मिलता हूँ आपको सिनेमैटिक शॉट के बाद आकर। चलिए जी, जैसे आपने सिनेमैटिक शॉट देख चुके हैं, अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी के डिटेल रिव्यू। सबसे पहले तो गाड़ी के लोगों की तरफ देख लो यार, सबका सपना है ना यार ये लोगो। जिस जिसका एक बार कमेंट जरूर कर देना। और गाड़ी का एक बार फ्रंट लुक देख लो, फ्रंट से कितनी धासो, कितनी मस्कुलर और कितना हैवी बिल्डअप है इस गाड़ी का यार। अगर फ्रंट की बात भी करता हूँ तो ये बहुत प्यार है दोस्तों, यहाँ पे आपको DRL दे रखे हैं। और अंदर की बात करते हैं हेडलाइट्स की, तो LED लाइट्स आपको, इंटेलिजेंट LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नीचे डिफॉगर आपको मिल जाता है, सॉरी डिफॉगर कह रहा हूँ, नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं एंड बीच में आपके भाई का प्यारा सा नाम है मयंक पंजाबी। जल्दी से अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में देख रहे हो तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, मेरे लिए ना से लेकिन गाड़ी के लिए तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों फ्रंट से आपने देख ली गाड़ी कितनी जबरदस्त दिख रही है देखने के अंदर। और अगर इसकी ग्रिल की बात भी करता हूँ तो क्रोम फिनिश के अंदर मैसिव ग्रिल जो लगती है ना देखने में सामने से, अलग ही दोस्तों अल्टीमेट ही मजा आता है गाड़ी को फ्रंट से देखने का यार। चलिए एक बार आपको साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की दिखा दूँ, इधर साइड प्रोफाइल भी देख लो इस गाड़ी की, कितनी ह्यूज दोस्तों इस गाड़ी की अपनी साइड प्रोफाइल आ जाती है, प्रॉपर कैमरे में भी यार फिट नहीं हो रही है इतनी ह्यूज दोस्तों अपने को साइड प्रोफाइल इस गाड़ी की देखने को मिल जाती है। 18 इंचेस के अपने को यहाँ पे अलॉय व्हील मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स है 18 इंचेस के। सीरियसली यार बहुत ही ह्यूमंगस दोस्तों गाड़ी है देखने के अंदर यार, अल्टीमेट दोस्तों देखने में लगती है। एंड अगर इंटीरियर की भी बात करते हैं तो जरा इंटीरियर पे भी नजर मार लो, कितना साफ सुथरा एंड बीट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। 2017 मॉडल है और उसके हिसाब से जरा इसका सीट्स भी देख लो यार, कितनी नीट एंड क्लीन, कोई भी स्क्रैच तक भी नहीं है, कहीं से कटी फटी सीट नहीं है, बहुत यार वेल मेंटेन दोस्तों इस गाड़ी को रखा हुआ कस्टमर ने आज भी। और सबसे बढ़िया बात तो यार आपको बता दूँ, गाड़ी चली सिर्फ और सिर्फ मात्र 14,000 किलोमीटर भी पूरे अभी तक गाड़ी नहीं चली है। डैशबोर्ड में नज़र मार लो, फ्रंट LED डिस्प्ले देख लो यार, बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों लुक दे रही है देखने के अंदर। एंड अगर मैं इसके एमबी लाइटिंग की बात भी करता हूँ तो एमबी लाइटिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों लुक देखती है एमबी लाइटिंग भी इस गाड़ी के देखने में। हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर एमबी लाइटिंग दे रखी है। डैशबोर्ड फ्रंट की बात करते तो यहाँ पे भी आपको एमबी लाइटिंग देखने को मिल जाती है, साइड लेग्स की तरफ देखते तो आपको एमबी लाइटिंग देखने को मिल जाती है। एंड अगर आपको गाड़ी के बैक से भी लुक दिखा दो इंटीरियर की,
तो बैक से भी इंटीरियर आप देख लो कि कितना वेल मेंटेन है, नीट एंड क्लीन इंटीरियर है। नीचे की तरफ भी आपको यहाँ पे हेडमेट लाइटिंग देखने को मिल जाती है, एंड सबसे बढ़िया अगर आप बैक रेस्ट की तरफ भी देखते हैं पीछे तो पूरी प्रॉपर हेडमेट लाइटिंग दोस्तों आपको इस गाड़ी में हर जगह देखने को मिल जाती है। और नाइट में तो यार इसका अल्टीमेट मजा ही आता है गाड़ी के अंदर बैठने का। जरा बैक में जाकर जरा एक बार इंटीरियर में भी नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या फीचर अपने को देखने को मिल जाता है। अगर बैक से इसका मैं सामने का अगर डैशबोर्ड भी देखता ना तो डैशबोर्ड के लुक देख लो यार, एकदम अल्टीमेट दोस्तों, नेक्स्ट लेवल दोस्तों फील आता है गाड़ी के अंदर बैठ के भी। और बैक कंफर्ट की भी बात करता हूँ ना यार, तो बैक कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत ही प्यार दोस्तों कुशनिंग यहाँ पे आपको हेड रेस्ट देखने को मिल जाते हैं। सीट्स की बात करता हूँ तो फुली एयर कंडीशन दोस्तों सीट्स मिलती है। एयर कंडीशन मीन्स कि आपको आराम से आप यहाँ पे सीट में बैठ के आप मसाज भी ले सकते हैं। सामने सीट्स का अगर ऑप्शन देखते हैं तो मसाजिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है, एंड प्लस फुली वेंटिलेटेड सीट्स आपको दोस्तों इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। एंड अगर स्क्रीन की बात भी करते हैं सामने तो आपको दोनों तरफ आपको बैक स्क्रीन गाड़ी के देखने को मिल जाती है। एंड अगेन आपने देख लिया यहाँ पे, अगर ऑन किया मैंने इसको भी जरा ऑन कर देते हैं तो मर्सिडीज बेंज एंड आपकी स्क्रीन रेडी है यूज़ करने के लिए। यार वाह यार, बहुत ही अल्टीमेट दोस्तों फील आता है गाड़ी में बैठने का यार। अगर साइड अगर नीचे की तरफ मैं एयर कंट्रोल की बात करता हूँ तो फोर वे आपको एयर कंट्रोल एडजस्टमेंट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। सारे यहाँ पे आपको एसी के बटन देखने को मिल जाते हैं। दोनों टेम्परेचर आपके पैसेंजर पीछे के अपने आप से इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। अगर हैंड रेस्ट की बात भी करता हूँ तो स्टोरेज देख ली है। अगर आप यहाँ पे बैक रेस्ट की हैंड रेस्ट की बात भी करते हैं तो यहाँ पर आपको बढ़िया से कप होल्डर दोनों देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बीच में देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाती है, एंड आपको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल मिल जाता है अपने प्रॉपर इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। ऊपर तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे रूफ शेड देखने को मिल जाती है। अगर इस रूफ शेड को हटाना भी चाहूँ तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बटन सारे कंट्रोल दे रखे हैं, यहाँ पर आपको शेड का ऑप्शन दे रखा है। जस्ट अगर आप क्लिक करते हैं एंड सी, सब कुछ आपके हाथों पे कंट्रोल्ड है। इसके साथ साथ बैक का भी आप देख सकते हैं, बैक की भी शेडिंग आप हट चुकी है। एंड अगर साइड के भी अगर आप देखना चाहें तो साइड के भी आप अपने ही कंट्रोल से बैठे बैठे यहाँ पे अपने साइड के शेड्स भी हटा सकते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी एरी दोस्तों फील कर रही है गाड़ी। मैंने सारे शेड हटा दिए, सनरूफ की बात करूँ सनरूफ की भी शेड हटा चुके हूँ, बैक पसंद के भी शेड हटा चुका हूँ, एंड पीछे की शेड की बात करूँ तो पीछे के भी मैं सारे रिमूव कर चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी मेरे को एरी फील हो रही है यार, लग रही है ना बहुत ही अल्टीमेट और धासू गाड़ी। फ्रंट की तो यार लुक देख लो यार, मज़े ही आ गया देखने के अंदर यार, नेक्स्ट लेवल दोस्तों एक्सपीरियंस इस गाड़ी का। चलिए चलते हैं आप गाड़ी के बाहर। अब काफ़ी मैंने आपको दिखा दी गाड़ी के इंटीरियर भी यार, बट क्या करें इंटीरियर से जाने का मन नहीं कर रहा, बट स्टिल आपको जरा इंटीरियर के बाहर लेके चलते हैं। गाड़ी जरा मैं आपको बैक प्रोफाइल से भी दिखा दूँ कि बैक प्रोफाइल से भी गाड़ी की क्या अपनी लुक है। एंड अगर एक बहुत ही अल्टीमेट फंक्शन की अगर बात करता हूँ यहाँ पे तो दोस्तों जस्ट कुछ नहीं करना, आपने सॉफ्ट क्लोज डोर था, जस्ट आपने टच किया एंड डोर सॉफ्टली दोस्तों यहाँ पे पुश कर लेता है अंदर की तरफ। इसको भी अगर मैं फ्रंट की डोर की बात भी करता हूँ आप देख सकते हैं यार अल्टीमेट फीचर दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। एंड अगर आप चलते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ भी, बैक प्रोफाइल में आपको मैं दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से दोस्तों इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल दिखती है। LED लाइट्स की बात करते हैं तो बैक में भी आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है। S350 की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। बीच में आपके भाई का नाम है मयंक पंजाबी, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो नए हो तो। ऊपर आपको मर्सिडीज़ का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड अगर बूट स्पेस की बात भी करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली दोस्तों बूट आप इसका ऑपरेट कर सकते हैं, स्पेयर व्हील आपको साथ में मिल जाता है। एंड काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों यहाँ पे बूट का स्पेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है यार। तो बैक से अगर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से दोस्तों बैक से अपनी गाड़ी मिलती है ब्लैक कलर के अंदर, यार अल्टीमेट लग रही है देखने के अंदर। पहला ही दिन दोस्तों साल का और इतनी ज़बरदस्त दोस्तों आपको ब्लैक कलर की मस्कुलर मर्सिडीज़ की S350 में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ, देख लो गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है और फटाफट से ऑफिस आ जाओ और अपनी डील को आके ट्रैक कर लो। एक बार साइड प्रोफाइल दोबारा से देख लो गाड़ी की, इस साइड प्रोफाइल देख लो यार, मैं तो साइड प्रोफाइल ही देखता जा रहा गाड़ी की कितनी ह्यूज है देखने में यार। जो भाई को पसंद है S-Class फटाफट से आ जाओ और आके देख लो, डिस्क्रिप्शन पर चले जाओ और अपनी डील को आके क्रैक कर लो। तो दोस्तों देख लिया आपने गाड़ी मेरी की कितनी ज़बरदस्त दोस्तों गाड़ी की डील है ये वाली। डील तो नहीं रही, डील तो मैं अभी आपको एंड में बताऊंगा, बट स्टिल आपने गाड़ी की पूरी लुक देख ली कितनी नीट एंड क्लीन और साफ सुथरी दोस्तों गाड़ी है। ब्लैक कलर की कार है, बिल्कुल स्क्रैचलेस कार है। एंड अब आते हैं मेन चीज़ पर, क्या अब चलते हैं जरा गाड़ी का ड्राइविंग रिव्यू पे, देखते हैं आपको गाड़ी को चलाने का मज़ा भी कि गाड़ी चलने में कैसी है, क्या इस गाड़ी के अंदर कोई लैग तो नहीं है। चलिए मिलते हैं गाड़ी के अंदर आकर, अब देखता हूँ आपको पूरी गाड़ी का अपना ड्राइविंग रिव्यू भी। तो चलिए यार अब चलते हैं आपके और मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे, वो है गाड़ी की ड्राइविंग पे रिव्यू पे।
यार देखते हैं चला के भी कि मर्सिडीज की फ्लैगशिप मॉडल चलने में कैसा है आज, और देखते हैं कि गाड़ी में कोई लैग तो नहीं है, क्या गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है कि नहीं है। यार वैसे गाड़ी से चली 14,000 किलोमीटर है, जो कुछ भी नहीं होता, बट स्टिल मेरा तो फर्ज बनता है आप लोगों को एक बार ड्राइविंग प्लेजर देना। और उससे पहले जरा ड्राइविंग प्लेजर लेने से पहले जरा आप लोग फ्रंट का जरा इसके एक बार कंसोल एक बार देख लीजिए, जरा सामने की तरफ देख लो यार, एक बार आप देख रहे हो एम्बिएंट लाइटिंग जो जल रही है यार, नाइट में कितनी ज़बरदस्त लगती है, लगेगी देखने में यार, ये भी सोचने वाली बात है, लग रही है ना बहुत ही ज़बरदस्त यार। और प्रॉपर यार फुल LED आप देख सकते हैं पूरी मेरी डिस्प्ले है सामने की। और अगर मैं आपको बात कर रहा था किलोमीटर ड्रिवन की भी, तो सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो ये गाड़ी चली है 14,000 भी नहीं चली, इनफैक्ट ये गाड़ी चली है सिर्फ आपकी 13,552 किलोमीटर। तो देख लिया दोस्तों कितनी कम चली हुई गाड़ी दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, है ना एकदम न्यू ईयर स्पेशल कार यार, 1 तारीख है और 1 तारीख के हिसाब से तो न्यू ईयर स्पेशल कार आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, और इससे बेटर कार तो मेरे को नहीं लगता कोई भी हो सकती है। चलते हैं जरा गाड़ी के ड्राइविंग प्लेजर पर, देते हैं आपको गाड़ी को चलाने का मज़ा भी कि कैसे आता है। यार सबसे पहले तो एस क्लास है यार, 350D है ये, और अगर डीजल इंजन दोस्तों ये वेरिएंट है, डीजल के इंजन के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल भी नॉइस तक भी फील नहीं हो रही है। इनफैक्ट अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ ना, अगर इसको रेंज भी दूंगा तो मेरे को भी लगता है इस गाड़ी के अंदर डीजल की आपको इन्वॉइस भी आने वाली है, क्योंकि इतना रिफाइंड इंजन दोस्तों इस गाड़ी का आपको देखने को मिल जाता है ना, कि आपको लिटरली लगेगा कि आप डीजल नहीं पेट्रोल गाड़ी चला रहे हो। और अगर आप ऊपर सनरूफ भी देख सकते हैं कि कितनी ह्यूज दोस्तों ऊपर मेरे को यहाँ पे सनरूफ दे रखी है, और जिसकी वजह से गाड़ी को चलाने का मज़ा यार 2-3 times और बढ़ जाता है। और अगर गाड़ी के मैं फीचर्स की भी बात करता हूँ, या फ्रंट सेंसर, बैक सेंसर, वो हर जगह गाड़ी में सेंसर लगे हुए हैं, कोई भी पास में आता है ये गाड़ी का ना अपने सेंसर का हल्ला शुरू कर देती है, क्योंकि इतने सारे दोस्तों सेंसर और फीचर्स गाड़ी के अंदर अपने को देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़े जो आप देखते हैं सामने की तरफ इसका बेज भी नहीं, इनफैक्ट ये मैं कहूँगा थोड़ा चॉकलेट ग्रे कलर है, एंड देन बीच में बेज एंड वुडन फिनिश का जो इसका कॉम्बिनेशन आता है ना डैशबोर्ड का, बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लस सेम कलर का जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग मिल जाता है यार, सीरियसली कहूँ ना बहुत ही एयरी फील होता है गाड़ी में, और हल्का सा अगर ड्रेस भी देते हैं तो आपने देख ही लिया कितना सॉलिड पंच है गाड़ी के अंदर यार, बिल्कुल एस क्लास लग्जरी प्लस इन्जॉयमेंट फॉर ड्राइविंग, कहते हैं ड्राइविंग प्लेजर, कहते हैं वैसे तो कहते हैं शॉफर ड्रिवन कार है, बट स्टिल अगर आप खुद भी ये गाड़ी चलाते हैं तो सीरियसली यार इसको चलाने का मज़ा ही बहुत अलग है इन गाड़ियों में। सस्पेंशन की बात भी की जाए तो बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है यार, बिल्कुल बम्प का भी पता नहीं लग रहा, पीछे बम्प आया था, एक बम्प और आया है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता गाड़ी में बम्प का, इतना सॉफ्ट सस्पेंशन है यार इसका। और सही बताऊँ ना, वैसे तो गाड़ी की डायमेंशन अगर आपने बाहर अभी देखी कितनी ह्यूज गाड़ी की डायमेंशन है, बट स्टिल अगर आप गाड़ी को ड्राइव भी करते हैं ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आपको बहुत ह्यूज गाड़ी कैरी कर रहे हैं, इतनी सिंपल है ड्राइव करना इस गाड़ी को। और यार सबसे बढ़िया तो जैसे गाड़ी में चला भी रहो ना, और साथ में अगर गाड़ी में बैठा भी हो, आप देख सकते हो हेडरेस्ट कंफर्ट कितना बढ़िया इसका हेडरेस्ट कंफर्ट है। सीट्स की बात करते हो, सीट्स में बहुत अच्छा कंफर्ट है चलाने का, आप कहीं भी ले जाओ यार लॉन्ग ड्राइव, एक दिन के अंदर अगर 700-800 किलोमीटर की ड्राइव भी कर लेते हो ना, तो आप थकने नहीं वाले हो इस गाड़ी के अंदर, ये तो श्योर शॉर्ट गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। और स्टीयरिंग भी बात करते हैं, कितना लाइट एंड सॉफ्ट स्टीयरिंग इस गाड़ी का यार, सीरियसली आप कट्स में भी इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको गाड़ी को चलाने का मज़ा ही बहुत आने वाला है इस गाड़ी को चलाने का। एक बार जरा मेन रोड पे आए हैं, थोड़ा इस गाड़ी को हम भगा के भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं कंफर्ट मोड पे रख रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स मोड पर नहीं जाने वाला इस गाड़ी को लेके, क्योंकि तो कंफर्ट के अंदर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स पे तो ज़बरदस्ती होने वाली है। और एक बार जरा फ्रंट में भी देख लो, अगर आपको हुड में आपको देख रहे हो, मेरे को एक लोगो दिख रहा है सामने आपको स्टार, ये आप लोगो देख रहे हो फ्रंट में सामने की तरफ, इस लोगो के साथ इस गाड़ी को चलाने का यार मज़ा ही बहुत अच्छा आ रहा था। आप भी कहोगे यार पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, बट स्टिल यार जो लोग ड्राइविंग प्लेजर जानते हैं, जिनको पसंद है ड्राइविंग करना, उनको वो तो एक एक चीज़ नोट करते ही करते हैं कि यार किस चीज़ के अंदर गाड़ी आपको मज़ा दे रही है चलाने का। और अगर मैं आपको मर्सिडीज़ की खासियत अगर मैं यू टर्न की भी बात कर दूँ इस गाड़ी की, तो आप देखना इतनी ह्यूज कार है, बहुत ही छोटे यू टर्न के अंदर ये कार अपनी कट मार लेती है प्रॉपर।
छोटा सा सिंपल सा, आप देख सकते हो इतनी ह्यूज और इतनी जल्दी इसने यू टर्न भी मार लिया और पिकअप भी पकड़ ली है एकदम से। थोड़ा सा भी आगे जाएंगे और आपको इस गाड़ी को भगा के भी दिखाता हूँ मैं कि गाड़ी भागने में भी कैसी है। और सही बताओ ना, मज़ा यार, इन्जॉयमेंट है गाड़ी में। बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा इतनी ह्यूज कार चल रही है, जगह जगह से कट मारते हुए अपन लोग लेके जा रहे हैं इस गाड़ी को। थोड़ा सी खाली रोड मिल जाए ना तो मैं आपको इस गाड़ी को ज़रा भगा के भी दिखाऊं इस गाड़ी के भागने के मज़े कैसे। पहले तो कटिंग देख लो इस गाड़ी की यार, कटिंग के ही बहुत ज़बरदस्त मज़े हैं यार। साथ वाले बैठे बंदे भी डर रहे हैं हमारे तो आज। वो नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल, अल्टीमेट फन है यार गाड़ी को चलाने का। बहुत ही डर चुके हैं साथ में बैठे हुए लोग। इतनी अल्टीमेट ड्राइविंग है ना इस गाड़ी की यार, तो मजा आ जाएगा। और सबसे बढ़िया आपने ये देखा, इतनी ह्यूज कार है और फिर भी पता नहीं चल रहा कि कितनी जल्दी कटिंग मारते हो दोस्तों, गाड़ी निकल जाती है। चलिए एनी हाउ, बहुत होगी गाड़ी की वीडियो, आपने गाड़ी के अपना ड्राइविंग कम्फर्ट भी देख लिया है। अब चलते हैं अपनी शूटिंग लोकेशन पे और आपको देते हैं इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस कि कितने रुपये के अंदर, कितने लाखों रुपए के अंदर आप लोगों के लिए एस क्लास हो जाएगी। पर चल उससे पहले एक थोड़ा सा स्ट्रेच और अपन लोग मारेंगे, देन चलेंगे अपनी ड्राइविंग लोकेशन पे। अपना फटाफट से ले लिया यू टर्न, अभी कंफर्ट मोड ही है, जस्ट रेस दबा दिया है एंड देन रॉकेट बन चुकी है यार। वो छोटा सा स्ट्रेच मारा एंड गाड़ी लिटरली कहूँ तो 120-130 मेरी टच हो गई थी यहाँ पर। एंड यो आ गए अपनी शूटिंग लोकेशन पे, देते हैं आपको अपनी गाड़ी की आस्किंग प्राइस, मिलते हैं कार के बाहर आकर। चलिए दोस्तों, देख लिया आपने गाड़ी का ड्राइविंग प्लेजर भी कि मज़ा आ गया ना गाड़ी चलाने में यार, मुझे तो बहुत आया। अब होप करता हूँ जो लोग, जो भाई मेरे लोग इस गाड़ी को लेना चाहते हैं वो भी आके इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले लें और ज़रा गाड़ी का फील भी देख लें कि गाड़ी को चलाने का मज़ा कितना आता है। चलिए अब आते हैं मेन चीज़ पे, इस गाड़ी के आस्किंग प्राइस पे कि क्या इस गाड़ी की हमारी आस्किंग प्राइस है। दोस्तों अगर मैं गाड़ी की डिटेल की बात करता हूं, तो दोस्तों ये गाड़ी है मर्सिडीज़ की S350, ड्रिवन ओनली 13,500 किलोमीटर, दिल्ली ओनर, फर्स्ट दिल्ली रजिस्टर्ड, फर्स्ट ओनर दोस्तों ये गाड़ी है। गाड़ी का दोस्तों आस्किंग प्राइस है 75 लाख रुपीज़, जी हाँ 75 लाख रुपये दोस्तों इस गाड़ी का आस्किंग प्राइस है। अगर मैं नई गाड़ी की बात भी करता हूँ तो 1,40,00,000 रुपये की दोस्तों इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है। आधी कीमत के अंदर आप लोगों को ये गाड़ी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी चली कितनी है, मात्र 17,500 किलोमीटर दोस्तों गाड़ी चली है, जो मैं तो कहता हूँ जी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू कार है, जो कुछ भी नहीं होती। और आधे पैसे अगर बच रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बेटर डील आपको कहीं भी पूरी दिल्ली में कोई भी दे सकता है। चलिए नीचे दिए नंबरों पर फटाफट से कॉन्टैक्ट कर लो, आ जाओ फटाफट से इस गाड़ी को डील को क्रैक कर लो। मिलता हूँ आपको एक और नई गाड़ी के साथ, नई तो नहीं सेकेंड हैंड गाड़ी के साथ ही, बट नई कंडीशन वाली गाड़ी के साथ। टिल देन नीचे आपके भाई का लोगो चल रहा है, इंस्टाग्राम आईडी चल रहा है, उसको भी फटाफट से फॉलो कर लो। एंड मिलते हैं एक और बेहतरीन कार के साथ, नई डील के साथ। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, नए साल के अगेन आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं, विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साल जाए। टिल देन आप सभी लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहना, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।